और ये इनकी स्कूटी, ये दिखाओ भाई स्कूटी, स्कूटी देख लो भाई स्कूटी, स्कूटी देख ली, गुड। अस्सलाम वालेकुम मेरे अंकल आंटियों, मेरे भाई बहनों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज मी सैयद नबील काजमी, आपको खुश आमदीद करता हूँ सैयद एन के वीलॉग्स में। हाँ तो दोस्तों, आज जो है ना थोड़ा सा दिल अजीब सा हो रहा था, अम्मी की याद आ रही थी, सोचा क्यों ना कब्रिस्तान के चक्कर लगा कर आया जाए, तो अम्मी से ज़रा मिलकर आया जाए कब्रिस्तान में। तो अभी जो है ना कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी हुई तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, जो जो कब्र को देखे वो फातिहा ज़रूर पढ़ ले। और अभी बस आज थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, काफ़ी याद आ रही थी अम्मी की, तो मैंने बोला चलो यार कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आते हैं, तो मिलते हैं आपसे कब्रिस्तान के चक्कर के बाद। मेरी वालदा की कब्र है, जरा यहाँ पे फूल वूल डाल दे, फिर पानी लग। शुक्रिया। जब भी अम्मी की कब्र पे आता हूँ ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुकून सा मिलता है, दिल करता थोड़ी देर इधर बैठूं, आराम करूं, अम्मी से बातें करूं। आइए आप लोगों के साथ अम्मी से बातें कर रहा हूँ। माँ भी माँ होती है यार, क्या चीज होती है माँ, पता ही नहीं होता, चली जाती है पता ही नहीं चलता। खैर जो आया है उसको जाना है, अल्लाह की चीज है, अल्लाह ने वापस ले ली, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है, उस जैसा कोई हो नहीं सकता। याद आती है बड़ी, तो कब्रिस्तान भी आ गए, ये कब्रिस्तान देखें आप। सारी सीक्वेंस से कब्रें बनी हुई हैं, इधर कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हाईवे पर है और मौला के साए में, सब कब्रें लाइनों से बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा मंजर दिखाऊं, सूरज ग्रुप हो रहा है ये देखें, ओए होए होए होए, क्या मंजर है, ओ हो, ग्रुप होते हुए सूरज को देखें, यार प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और दोस्तों चलो मम्मी से ही बातें होती हो गई, निकलते हैं घर की तरफ, थोड़ी देर में बस निकलते हैं, ठीक है। बसंती की तरफ आ गई, खड़ी हुई हमारी बसंती, घर की तरफ निकलेंगे, ठीक है दोस्तों।
हाँ जी दोस्तों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड हो चुके हैं, मतलब घर पहुंच चुके हैं। कब्रिस्तान से हम लोग घर आ गए, मुंह धुआं धोया, फ्रेश फ्रेश हुए। खैर कब्रिस्तान असल में काफी दूर है, हाईवे पर है, हैदराबाद के टोल प्लाजा से पहले ही है। वादी हुसैन नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आज बस अम्मी की हुड़क सी हो रही थी, तो मैंने बोला चलो यार कब्रिस्तान अम्मी की कब्र से होकर आए, फातिहा पढ़ कर आए। तो बस कभी कभी ऐसा होता है, बड़ी याद आती है। खैर याद आ रही थी अम्मी की, तो हम लोग कब्रिस्तान की तरफ चले गए। अब कब्रिस्तान से आ गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज यार सब्सक्राइब करो ना, जाओ ना यार वो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, उसके बराबर में बेल आइकन भी दबाओ दबाओ। हाँ इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपको और मिलेंगे, और अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ बेटर देन बेटर देन बेटर देन करने की, लेकिन आपके भी दिमाग में कोई कॉन्टेंट आए तो प्लीज मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। भाई को सपोर्ट करो यार। चलो शाबाश, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय टाटा।